अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह मैं टोक्यो पहुंच चुका हूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट नारिता पे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फ़्लाइट थी और काफ़ी लॉन्ग फ़्लाइट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ पहुंच चुका हूं। ऑलमोस्ट 11 आवर्स की फ़्लाइट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंडेड इन टोक्यो एयरपोर्ट। हमारे यहाँ जापान के जो मेज़बान हैं माशाल्लाह, ये अमाद चौधरी साहब मेरे साथ खड़े हैं और ये हमारे जापान के मेज़बान हैं। कैसे हैं अमाद भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपको वेलकम करते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये और माशाल्लाह ये जापान का मेरा दूसरा सफ़र है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद, 20 साल के बाद मैं दोबारा जापान आया हूँ। 99 में आया था जापान, और उस वक्त भी एयरपोर्ट पे माशाल्लाह अमाद चौधरी साहब लेने के लिए आए थे, और आज 20 साल के बाद भी माशाल्लाह अमाद चौधरी साहब एयरपोर्ट लेने के लिए आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी मसाजिद के अंदर प्रोग्राम होगा, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ से हम मुलाकात करेंगे, और इंशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, और आप लोग जापान को डिस्कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फ़ैन हैं पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली जापान के अंदर भी, और माशाल्लाह अमाद चौधरी साहब का एक और तारुफ कराऊं कि ये मेरे बड़े भाई भी हैं माशाल्लाह, और लेकिन ये अभी इस वक्त तो मेज़बानी के का फ़राइज़ अंजाम देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हालत तो ये है कि थकावट है थोड़ी सी इंशाल्लाह, लेकिन दोस्त अहबाब लेने के लिए आए एयरपोर्ट पे। ये आप देख रहे हैं अमाद चौधरी साहब बैठे हैं, मलिक साहब गाड़ी चला रहे हैं माशाल्लाह, और ये पीछे शाहिद साहब बैठे हैं। शाहिद साहब खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? ये हजरात माशाल्लाह एयरपोर्ट लेने के लिए आए, और मैं आपको दिखाता हूँ तवामा जो है वो शहर दिखाते हैं आपको, और ये देखें छोटा सा टाउन है माशाल्लाह, और बिल्कुल ये रशिया के बॉर्डर पर लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमने यहाँ पर दिन गुजारना है, जुमा पढ़ाना है, और दोस्त अहबाब से मुलाकात होगी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये तोयामा का जो सफ़र है बाई से रहमत हो, बाई से बरकत हो, बाई से हिदायत हो मेरे लिए भी और यहाँ के रहने वालों के लिए भी। कब से हैं आप यहाँ पे हजरत? मैं 25 साल। 25 साल से? आपकी तो उम्र ही 25 साल है। वाह, वाह, मैंने पैदा होते ही आगे थी, आगे, आपकी पैदाइश यहाँ हुई थी, इधर ही हुई थी। मलिक साहब आप किस जगह के हैं? मैं पाकिस्तान वजीराबाद। वजीराबाद शहर के? जितने वजीराबाद के दोस्त हैं मेरे, मलिक साहब माशाल्लाह वजीराबाद में काफी फैन है हमारे। और ये हमारे शाहिद भाई, आप कहाँ से हैं माशाल्लाह? मैं पाकिस्तान कराची। कराची किस जगह से? जी कराची में, अभी नॉर्थ नाजमाबाद। नॉर्थ नाजमाबाद से माशाल्लाह। तो शाहिद भाई खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी तोयामा में, और आपके तमाम दोस्तों को जो जहाँ जहाँ दुनिया में देख रहे हैं। तोयामा एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत सा टाउन है, और जिस किसी को कभी अगर जापान आने का मौका लगे तो तोयामा जरूर आए माशाल्लाह। और ये अमाद चौधरी साहब का शहर भी यही है जी। आज भाई से इज्जत तो भाई से मुसरत है कि आप भाई भी हैं छोटे और आलिम भी हैं, और मुझे खुशी है कि आप तोयामा में। हां माशाल्लाह, यहां पे खैर का काम आपसे ले लो। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन मुझे काफ़ी मैसेज आए हैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक पे, और एक दोस्त का बड़ा अच्छा मैसेज मैं पढ़ा था, उसने कहा कि मैंने रिसर्च किया कि आज तक जापान की हिस्ट्री, जापान की मस्जिदों की हिस्ट्री, जापान में इस्लाम कब आया, क्या क्या उस पर किसी ने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया यूट्यूब के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने यह एज़ाज़ मुझे दिया। असल में मुझे नहीं दिया, ये तो जापान के साथियों को दिया है, अगर ये हजरात की दावत ना होती तो शायद मैं ना आता यहाँ पे। ये माशाल्लाह बहुत छोटा सा टाउन है, और जापनीज़ जो है वो बड़ी अच्छी कौम है, और उनके अंदर आजी और इनकसारी बहुत है, और इस टाउन को रौनक बख्शी है पाकिस्तानियों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी यहाँ आके आबाद हुए, और यहाँ पे पूरा जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का काम है, रिकंडीशन गाड़ियों का काम वो पाकिस्तानी करते हैं, और रशियन यहाँ पे आके पहले ख़रीदते थे, आजकल क्या मुझे नहीं पता कि रशियन ही लेते हैं या कुछ और लोग भी आते हैं यहाँ पे।